नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 475 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, जबकि 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 800,000 हो गई है और कुल मौतों का आंकड़ा 21,000 से अधिक हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौर में छात्रों की परीक्षाएं कराना अनुचित है। UGC को छात्रों की बात सुननी चाहिए, परीक्षाएं तुरंत रद्द की जानी चाहिए और छात्रों को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में मास्क पहनना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले जुर्माना 100 रुपए था। उत्तर प्रदेश में 32,000 से अधिक संक्रमित मामले हो चुके हैं और 862 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक्टिव केस 10,000 से अधिक हो गए हैं और 21,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में आगामी 13 जुलाई से 23 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। महाराष्ट्र पुलिस में 222 और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में अब तक संक्रमित हुए पुलिस कर्मचारियों की संख्या करीब 6,000 हो गई है और मरने वालों की संख्या 74 है। हालांकि 4,715 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,26,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 1,765 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 46,000 से अधिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक प्रवक्ता ने बताया है कि विशेषज्ञों की एक अग्रिम टीम शुक्रवार को चीन के लिए रवाना हो गई है। ये टीम चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति के संबंध में जाँच करने वाली है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री लगातार घाटे में जा रही है। दूसरी तिमाही में $4.89 अरब का नुकसान हुआ है। ये नुकसान पहली तिमाही के ही करीब है। इससे साफ होता है कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण चीन को जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंची है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,22,00,000 से अधिक हो गया है। वहीं अब तक इस वायरस के कारण 5,54,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में अमेरिका के भीतर 65,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 32,00,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1,33,000 से ज्यादा हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।